वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपको पार्ट वन पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं मूवी के पार्ट टू की ओर। जहाँ हम देखते हैं कि लिली अब अपना सारा सामान लेकर अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले हस्बैंड युआन के घर पे रहने के लिए आ गई थी, मगर पहली रात को ही इन दोनों में डिस्कशन चल रही होती है। ये डिस्कशन इस बात की थी कि इनमें से कौन बेड पे सोएगा और कौन फ्लोर पे। ये इनकी पहली रात थी और युआन की दादी को भी चैन नहीं आ रहा था, इसलिए युआन की दादी उन्हें देखने चुपके से उनके कमरे की तरफ आ रही थी। मगर युआन उन्हें कमरे के बाहर खड़ा देखते ही अचानक से लिली के साथ बहस करने के बजाय कोजी होने लगता है और उसे किस कर देता है। पहले तो लिली को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसने उसे किस क्यों किया, मगर युआन के इशारे से वो समझ जाती है कि युआन की दादी उनके आसपास है और वो भी अपना रोमांटिक वाइफ होने का किरदार निभाने की सोचती है और उन्हें रोमांस करते देख कर दादी नीचे चली जाती है। फाइनली युआन फ्लोर पे सो जाता है और अगली सुबह लिली अपने ऑडिशन के बारे में पूछने क्वीन के पास जाती है, मगर उसे वहाँ देखकर एक्ट्रेस मिस मिंजू उससे बहस करने लगती है, मगर लिली समझदारी दिखाकर उससे माफी मांग लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लिली वापस घर जाकर युआन और उसके दादी से अपने एक्टिंग कैरियर को लेकर बात करती है और युआन कहता है कि मैं और मेरी फैमिली तुम्हें इस काम में पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। वैसे तो युआन की दादी उसे मना करने वाली थी, मगर वो युआन की बात मानकर इस चीज के लिए राजी हो जाती है। लिली डायरेक्टर्स को कॉल करके पता करती है, मगर कोई उसे एज ए हीरोइन लेने के लिए तैयार नहीं था। जब लिली उदास होकर सोफे पे बैठी होती है तो वहाँ युआन आकर उससे कुछ बातें करता है, मगर अचानक उसे एक कॉल आती है। फिर उसे एक ऑडिशन के बारे में पता चलता है और वो बहुत खुश होती है। जब युआन उससे इसकी वजह पूछता है तो वो उसे कहती है कि तुम मेरी एक्टिंग रोल मिलने की खुशी को नहीं समझ पाओगे। अगले सीन में लिली जब ऑडिशन के लिए जाती है तो वहाँ मिस मिंजू भी उसी रोल के लिए ऑडिशन देने आई हुई थी। ऑडिशन के दौरान डायरेक्टर बताता है कि इस बार हमें पतली और डांस मूव्स में जो बेहतर हो ऐसी लड़की की तलाश है। इसके बाद मिस मिंजू और लिली में से लिली की डांस मूव्स ज्यादा इम्प्रेसिव थे, इसलिए उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। जब लिली उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो एक बार फिर उसे चक्कर आने लगता है और क्वीन संभलने में उसकी मदद करता है और उसे ऑडिशन पास करने की खुशी में चॉकलेट्स खाने के लिए देता है। ये सब देख रही मिस मिंजू बहुत जेलस फील कर रही थी क्योंकि उसे क्वीन अच्छा लगता था, मगर लिली और क्वीन को एक साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद लिली बिल्डिंग से कुछ ही दूर युआन और उसके असिस्टेंट को देखती है। दरअसल युआन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, आखिर उसे लिली पसंद जो थी। अगले दिन जब लिली अपनी नेक्स्ट मीटिंग की लोकेशन कॉल पे डिस्कस करती है तो युआन भी उस लोकेशन को नोट कर लेता है और उसे काम का बहाना बनाकर उसकी लोकेशन पे उसके साथ जाकर उसे ड्रॉप कर देता है। जब लिली काम से वापस आती है तो वो देखती है कि युआन की तबीयत खराब हो गई थी। वो युआन का ध्यान रखती है और इसके अलावा हम देखते हैं कि उसे भी युआन अब अच्छा लगने लगा था, मगर वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब बस उसकी केयर करने की वजह से उसे लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि युआन अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया था, जहां उसे एक बहुत बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे जो बीमारी हुई है उसकी वजह से वो 30 से 40 साल के बीच मर सकता है। ये
ये जानकर ह्यूआन शोक हो जाता है और इस सब के बारे में अपनी दादी को बताता है। इन बातों के बीच ह्यूआन अपनी दादी से अपने मोम डैड के बारे में पूछता है। वो इस बात से नाखुश था कि उसकी दादी ये सब जानते हुए भी उसकी शादी लिली के साथ कराना चाहती थी। ह्यूआन काफी देर सोचने के बाद फाइनली लिली से इस बारे में बात करता है, जिसमें वो उसे बताता है कि अब उसे इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने की कोई जरूरत नहीं है और वो अब उसकी वाइफ बनने की एक्टिंग करना बंद कर सकती है। मगर ये सुनते ही लिली शॉक हो जाती है और अचानक उसे चक्कर आने लगता है। वो सोफे पे लेटी हुई थी और ह्यूआन उसके पास बैठा था। लिली ह्यूआन को उससे दूर ना जाने के लिए कहती है और ह्यूआन भी उसे पसंद करता था, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। ह्यूआन को समझ नहीं आ रहा था कि वो लिली को अपनी बीमारी के बारे में कैसे बताए, क्योंकि अब लिली ने उसे सचमुच अपना लविंग हस्बैंड मानना शुरू कर दिया था। लिली उससे प्यार करने लगी थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी। अब अगले दिन ह्यूआन का बर्थडे था, इसलिए लिली उसके साथ अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी। मगर ह्यूआन उसे बताता है कि उसने बहुत वक्त से अपना बर्थडे नहीं मनाया था। लिली सुबह सुबह उसे एक क्यूट सा टेडी बियर गिफ्ट करती है, जिसे ह्यूआन सोते वक्त अपने पास ही रखता है। कुछ देर बाद रात को लिली अपने ह्यूआन के लिए सरप्राइज डिनर प्लान करती है, जहाँ ये दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और लिली ह्यूआन से ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो उसे डाइवोर्स क्यों लेना चाहता है। मगर ह्यूआन उसे जाकर भी कुछ नहीं बता पाता है। अगली सुबह जब ह्यूआन उठता है तो वो अपने सामने लिली को देखते ही उसे जोर से हग कर लेता है। उसे ये शक हो रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं, या लिली सचमुच उसके सामने बैठी थी। ये बात तो साफ थी कि ह्यूआन को भी लिली से प्यार हो गया था। अगले दिन ह्यूआन ऑफिस में बैठकर अपनी बीमारी को ठीक करने का तरीका इंटरनेट पे ढूंढ रहा था। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसके मोम डैड के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो लिली से मिलने और उसके साथ लंच करने जाता है। वो लिली से बात कर ही रहा था कि अचानक लिली को उसके डायरेक्टर का कॉल आ जाता है। दरअसल डायरेक्टर ने उसे सेकेंड राउंड के ऑडिशन के लिए बुलाया था। वह लिली दूसरी बार मिस मिंजू को हरा कर रोल के लिए अपनी जगह पक्की कर लेती है। मगर दूसरी तरफ मिंजू एक तो ऑडिशन में रिजेक्ट होने की वजह से और दूसरा क्वीन को लिली के क्लोज आते देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मिस मिंजू लिली से बदला लेने के लिए अपना और उसका एक फेक वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करवा देती है, जिसमें लिली के ऊपर मिंजू को बुली का इल्जाम लगाया गया था। अगले दिन डायरेक्टर लिली को ऑफिस बुलाकर उसे इन्फॉर्म करता है कि अब तुम्हारा ये वीडियो बहुत लोगों ने देख लिया है, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें इस फिल्म में शामिल नहीं कर पाऊंगा। लिली उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर डायरेक्टर उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। इस बात से लिली को बहुत बुरा लगता है और वो घर वापस आते वक्त ह्यूआन के साथ भी अपना दुख बांटती है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका हीरोइन बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मगर तभी उसे डायरेक्टर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो उसे रोल देने के लिए मान गया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस चमत्कार के पीछे कौन था। वो डायरेक्टर ह्यूआन को भी मूवी के लीड एक्टर के रोल के लिए साइन कराना चाहता था, मगर ह्यूआन उसे मना कर देता है। फाइनली शूटिंग का दिन आता है और हमें लिली और बाकी के एक्टर्स किसी का इंतजार करते नजर आते हैं। दोस्तों, इस सीन में वो सब उनकी मूवी के लीड एक्टर का इंतजार कर रहे थे और जब हीरो की एंट्री होती है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि लिली का ह्यूआन ही था। लिली उसे सेट पे देखकर सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद ये दोनों अच्छे से सीन शूट करते हैं और रात को जब ह्यूआन नीचे सो रहा था तो लिली उसे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साइड में सो सकते हो। वो उसे पूछती है कि तुमने एक्टिंग कब सीखी। जवाब में ह्यूआन बताता है कि वो इससे पहले भी कई बार एक्टिंग कर चुका है। अचानक ह्यूआन रोमांटिक मूड में आ जाता है और ये दोनों पहली बार एक साथ सोते हैं। देर रात को ह्यूआन का असिस्टेंट उसे बताता है कि उसने अपने इन्वेस्टिगेशन से पता लगा लिया था कि ह्यूआन को एडॉप्ट किया गया था। इसके बाद ह्यूआन जाकर इस बारे में अपनी दादी से बात करता है और उन्हें पूछता है कि क्या यह सब सच है। मगर उसकी दादी उसके सवाल का जवाब देने के
बजाय उसकी बात को टाल देती है। अगले सीन में लिली अपनी स्क्रिप्ट लेकर शूटिंग साइट पे जा रही थी कि अचानक मिंजू उसका रास्ता रोककर उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से शूटिंग पूरी करने में काफी लेट हो जाता है, पहले तो तुम ऐसा नहीं थी। और उसी वक्त लिली अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ युआन ये जानता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, इसलिए वो सबसे दूर जाने वाला था। मगर जैसे ही उसके असिस्टेंट को शूटिंग टीम का कॉल आता है तो उसे लिली के कंडीशन के बारे में पता चलता है। अगले सीन में युआन हॉस्पिटल में लिली के पास बैठा होता है और जब लिली को होश आता है तो वो युआन को उसके पास रहने के लिए कहती है और इनको बातें करते वक्त क्वीन भी देख लेता है। लिली हॉस्पिटल में रहने के बजाय युआन के साथ उसके घर पे रहना चाहती थी, इसलिए वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। जब युआन का असिस्टेंट रास्ते में मिंजू से टकराता है तो उस वक्त मिंजू को युआन और लिली का फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जिसे वो युआन की दादी को दे देती है। ये बात जानने के बाद युआन की दादी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लिली को उसी वक्त उनके घर से निकल जाने के लिए कहती है। लिली उन्हें समझाने की कोशिश करती है मगर दादी तो अलग ही गुस्से में थी। फिर क्या, लिली को अपना बैग पैक करके वहाँ से जाना पड़ता है। जब युआन लिली को रास्ते में सामान के साथ देखता है तो वो उसे घर वापस चलने को कहता है, मगर लिली उसे बताती है कि दादी ने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है और इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। युआन ठंडे दिमाग से सोच समझ कर अपनी दादी को कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि वो लिली को अपना ले, मगर उसकी खरूस दादी कहाँ किसी की सुनने वाली थी, उल्टा वो तो गुस्से में अपने युआन को ही चाटा चढ़ देती है। इसके बाद युआन का भी पारा चढ़ जाता है और वो भी उन्हें कहता है कि आप मुझे कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हो। युआन भी अपना सामान लेकर घर से चला जाता है। उसका असिस्टेंट लिली को कॉल करके उसके हाल के बारे में बताता है। लिली फटाफट अपने युआन के पास जाती है और उसे हग कर लेती है। वो युआन को अपने साथ ले जाती है। वो युआन को कहती है कि तुम मेरी वजह से घर छोड़ के क्यों आ गए, क्या तुम छोटे बच्चे हो। ऐसे ही ये दोनों कुछ दिन और एक साथ बिताते हैं और अचानक एक दिन युआन की दादी लिली को अपने घर पे इनवाइट करती है। जब लिली उनसे मिलने जाती है तो वो उसे कहती है कि तुमने युआन के ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि वो मुझे यानी अपनी दादी को भूल गया। मैं जानती हूँ तुमने युआन से सिर्फ पैसों के चक्कर में शादी करी थी। इसके जवाब में लिली ज्यादा कुछ नहीं बस इतना कहती है कि हम दोनों सचमुच एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। युआन मुझे और मैं युआन से बहुत प्यार करती हूँ, आप अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी दादी युआन को भी समझाने की कोशिश करती है और लिली और युआन दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक परफेक्ट कपल की तरह एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। फिर एक दिन जब युआन लिली से दूर जाने की हिम्मत जुटाता है तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम्हारी दादी ने शूटिंग सेट पे जाकर लड़ाई करी और अभी लिली की हालत ठीक नहीं है। वो भागते हुए लिली के पास जाता है और उसके सामने बैठकर उसकी देखभाल करता है। इसके बाद डॉक्टर के पूछने पे भी वो यही बताता है कि लिली को मेरे आसपास होते वक्त चक्कर नहीं आते, इसलिए उसे मेरे साथ की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार युआन की दादी के दिल में लिली के लिए थोड़ी सी हमदर्दी जाग उठती है। फिर क्या, युआन और लिली दादी के पास जाकर उन्हें भी इस रिश्ते के लिए मना लेते हैं। अगली सीन में युआन की दादी लिली को उसके दादाजी की फोटोग्राफ दिखाती है और फ्लैशबैक में उसकी दादी और डॉक्टर के बीच हुई बातचीत को दिखाया जाता है। दरअसल युआन की दादी तो बहुत पहले से ही उसकी बीमारी का इलाज करवाना चाहती थी, मगर डॉक्टर का कहना ये था कि अभी उसके पास उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, इसलिए उसकी दादी बहुत रोती भी है। युआन को यह सब जानने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी दादी को गलत समझा था, मगर वो तो उसे बहुत जल्दी ठीक करना चाहती थी। कुछ टाइम बीतता है और मिंजू को फेक वीडियो बनाने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ इस बार लिली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिलता है। मूवी के लास्ट सीन में युआन लिली को प्रपोज करता है और उसे एक बार फिर से शादी करने के लिए कहता है और इनके शादी के लास्ट किस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन
एंटरटेन करती रहूं। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।